जीसी कॉलेज में दो दिवसीय संगोष्ठी आयोजित, गांधी और शाश्वत सत्य पर डाला जाएगा प्रकाश, बताई जाएगी प्राथमिकता। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी के समापन पर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी मुख्य अतिथि रहेंगे। इसके अलावा इस संगोष्ठी में 8 लोग विदेश से संगोष्ठी में सम्मिलित होंगे, जिसमें 3 इंग्लैंड से, 3 इजराइल से और 2 श्रीलंका से आएंगे। कार्यक्रम का विषय गांधी और शाश्वत सत्य रखा गया है, जिस पर साहित्यकार उस समय गांधी जी की जो साहित्यिक थी उस पर प्रकाश डालेंगे और बताएंगे कि वर्तमान के समय में उसकी कितनी प्राथमिकता है। कार्यक्रम के आयोजक रेणु पूनिया है, जिनकी देखरेख में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय द्वारा दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है गांधी और शाश्वत सत्य, जिसकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। जिसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय मंत्री जी डॉक्टर सुभाष गर्ग होंगे और समापन समारोह के लिए हमने हमारे उच्च शिक्षा के मंत्री भंवर सिंह भाटी जी से निवेदन किया है कि वह आएंगे। इसके अंदर कीनोट एड्रेस देने के लिए डॉक्टर बीएम शर्मा साहब एक्स चेयरमैन आरपीएससी आमंत्रित हैं। इस संगोष्ठी के अंदर विदेश से 8 लोग आ रहे हैं, जिसमें 2 श्रीलंका, 3 इजराइल और 2 इंग्लैंड के हैं। साथ ही लगभग 430 रजिस्ट्रेशन हमें प्राप्त हो गए हैं और 600 तक की हम आशा करते हैं। युवाओं में जो हमारे शोध कर रहे हैं, शोधार्थी हैं या जिनकी नवीन अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं, नियुक्ति हुई है, उन सब में जोश है और इसी को देखकर हमें भी प्रसन्नता हो रही है कि गांधी वर्तमान में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पूर्व में थे। और आज हमें गांधी के जो साहित्य है, उन्होंने उस समय जो सोचा था, अगर उसको हम वर्तमान में इस्तेमाल करें तो हमारी भारतीय पहचान और देश की पहचान एक मिसाल कायम कर सकती है। इसकी आयोजन सचिव डॉक्टर रेणु पूनिया है, जो आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी देंगी। आपका नाम? मैं सुनीता पचौरी, सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर संभाग। मैं इस संगोष्ठी की निर्देशक हूँ।